हेलो बच्चों, कैसे है? ठीक हो? बहुत दिनों से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। दरअसल मैं घर आ गया हूँ, तो अपने महाराष्ट्र का नाम तो अच्छा ही है, बट ये कोरोना काउंटिंग को लेके बहुत ज़्यादा ही है। जैसे किसी स्टेट में आए, अगर एमपी में आए, तो उन्होंने क्या कहीं कोई हॉस्टल में क्वारंटाइन किया था, तो कैसे करके हम अभी होम क्वारंटाइन हुए हैं। तो 7-8 दिन हो गए मुझे वहाँ पर रहते, अभी कल यहाँ घर आ गए हैं। तो खैर ये सब तो ठीक है, ये तो प्रोटोकॉल है और इंसान को ये सब करना भी चाहिए, जो कि इतना सफ़र करके आए, हो सकता है कहीं से मिल गया हो। तो मैं होम क्वारंटाइन हूँ। अच्छी बात यह है कि अब हम पढ़ पाएंगे और डेली लेक्चर्स आपको मिल पाएंगे। ठीक है, हम लोग वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे और डेली लेक्चर्स मिल जाएंगे। 11th वाले बच्चे भी बहुत रिलैक्स में चले गए हैं, तो अब रिलैक्सेशन ज़रा कम हो जाएगा, अब पढ़ाई करेंगे तो उनको भी लेक्चर्स अभी मिलने लग जाएंगे। एंड रिपीटर का तो वो टेस्ट चल ही रहा है, अब हम लोग पढ़ते, ज़्यादा बात नहीं करते, धीरे धीरे बातें फिर करते रहेंगे। ठीक है, ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, है ना? तो एक क्वेश्चन दिया था, शायद उसका मुझे तो क्वेश्चन याद नहीं है, बट मैं उस तरह के क्वेश्चन 2-3 ले लेता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखें क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा, जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए इक्वल टू 2y कैप प्लस j प्लस k कैप है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस k कैप प्लस j कैप। तो बच्चों हमने ये बोला था कि i i का j j का k k का मल्टीप्लाई कर देना। उस क्वेश्चन में आप फिर से देखना, तो आई जे का सीक्वेंस अलग है, मतलब यहाँ शायद जे नहीं है, यहाँ कुछ और है। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से आपका आंसर 23 गलत आ रहा है, उसका 20 होगा। मुझे एकदम क्लियर क्वेश्चन नहीं, बट मैं इसे आपको पक्का समझा दूंगा, ये गारंटी है। ठीक, आइए। तो क्या करना था बच्चों, कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते थे ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम लोग जब करते थे ना, तो याद था ए बी कॉस थीटा। तो मतलब अगर हम आई डॉट आई करते थे, तो आई डॉट आई आपको 1 मिलता था, बट आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो, है ना, या के डॉट आपको आई मिलता था, तो ये क्या मिलता था, 0। इसका मतलब ये हुआ सर, क्यों 0 मिलता था, क्योंकि दीज एलिमेंट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते थे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। आई आई के साथ ही 0 एंगल बनाती है, जे जे के साथ ही 0 एंगल बनाएगा, और के खुद के साथ 0 एंगल बनाएगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता था, 1 आता था। तो जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई वाले कोफिशियंट का मल्टीप्लाई आई वाले से कर दीजिए, और वेक्टर ए के जे वाले कोफिशियंट का मल्टीप्लाई वेक्टर बी के जे वाले से कर दीजिए। तो आपने क्या किया, सीधा सीधा किया है, तो जे वाले का कैसे हो गया है, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, टू यहाँ पर कितना कोफिशिएंट है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 मानते हैं बाय डिफॉल्ट, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब जे का के से नहीं होना, जे का जे से, तो 1 1 जा 1 यहाँ होगा ना, तो 1 1 जा 1, और के का के से, तो 1 1 1 जा 1, तो ये शायद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। नहीं समझ में आया ना, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर ए इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, आप ले लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू 2i + 2j + 12k, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर के प्लस 2i + 3j, ऐसा मान लीजिए आपके पास है। तो फिर क्या करना है, i वाले का ऐसे करना है, तो 2 2 जा 4, j वाले का जैसे करना है, तो 2 3 जा 6, और k वाले का कैसे करना है, तो 12 1 जा 12, तो 12 4 16 4 20 2 22, है ना। तो कितना आ जाएगा, 22, 6 4 10, और 10 20, और 2 22। तो दिस इज आंसर, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुमको, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये जो आप करके कमेंट में डालेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, तो आपके पास है वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2k कैप प्लस j कैप, दिस इज j। ठीक है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक,
चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़े एप्लीकेशंस देखेंगे कि डार्ट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं फिजिक्स में। हम तो पढ़ तो रहे हैं वेक्टर कब से, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, कम से कम 6 पार्ट में हमने लेक्चर बनाए इनको धीरे धीरे समझा समझा के। हालांकि ये 1.5 घंटे का टॉपिक है, बट आपको धीरे धीरे, छोटे बच्चे ना घुटने वाले वाले, तो आपको धीरे धीरे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आपको इतना टाइम लग रहा है कि 6 पार्ट हो गया वेक्टर का, अभी ये 7वां पार्ट चल रहा है, ठीक है। खैर आइए चलिए अब हम लोग बात करेंगे वर्क की। हालांकि आपने 10th क्लास में वर्क के बारे में आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। वर्क क्या होता है बच्चों, आप बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हर बच्चा बोलता है, बट ये थोड़ा गड़बड़ है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। तो वर्क होता है आपके पास, जिसे मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक रखा है जिसका मास एम है, और हमने इस पर कोई फोर्स लगा दिया है, जिसे मान लीजिए एफ लगा दिया, ठीक है। और ये बंदा यहाँ पहुंच गया है, ये मास एम है, और यहाँ से कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे। तो आप डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ठीक है। ये कैसा है, गलत है। आप लिखेंगे वर्क डन जो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, जिधर पे फोर्स लगा हुआ है। तो आपका फोर्स लगा हुआ है कहाँ पे, इधर पे ऐसे लगा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो एफ इंटू एस हम नहीं कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कौन सा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लेके जाएगा इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इसको डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स क्या है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, एफ कॉस थीटा आएगा, ऊपर कितना जाएगा, एफ साइन थीटा। हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, शायद पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो वर्क डन होगा ये वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन आप क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डब्ल्यू बराबर क्या लिखा आपने, एफ एस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर आप लिख सकते हैं जैसे ए बी कॉस थीटा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वैसे डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस हो जाएगा। इसको वेक्टर एस डॉट वेक्टर एफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ए बी कॉस थीटा आएगा और ये वाला भी ए बी कॉस थीटा ही आएगा। तो ए डॉट बी है तो बी डॉट ए भी उसको लिखते हैं, एफ डॉट एस है तो एस डॉट एफ भी लिख सकते हैं। ये कहां से है, आपको एकदम क्लियर हो गया है कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलॉन्ग द अप्लाइड फोर्स, मतलब आपने जो फोर्स लगाया हुआ है उसका मल्टीप्लाई उस डिस्प्लेसमेंट के साथ जो फोर्स की डायरेक्शन में है। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसकी डायरेक्शन में नहीं है, तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को देने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वाला फोर्स इतना डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ एस कॉस थीटा एंड दैट इज वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। तो अब चलिए क्वेश्चन कैसा आता है वो दिखाते हैं आपको। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो आपको समझ में आए आपको क्या करना है। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, वर्क का एसआई यूनिट, वर्क का एसआई यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, और जो सीजीएस यूनिट होता है आर्क लिखते हैं, ठीक है। एंड जूल इक्वल टू होता है 10^6 होता है क्या, ऐसा हम लोग इसको बना लेते हैं। इसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, जूल है, तो जूल होता है ये होगा आपके पास वर्क जो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 10^3, ग्राम मीटर को लिख सकते हैं 10^2 और 2, मतलब इसको लिख सकते हैं, आप समझना इसको, इनटू मीटर है ना, तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 100 और मीटर का स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख दो, और सेकेंड सीजीएस में सेकेंड ही लेते हैं, ठीक है। खैर हम लोग चलिए डायमेंशन पढ़ेंगे तो इसको बेहतर समझ पाएंगे। हम लोग जूल और आर्क में रिलेशन जानना चाह रहे थे, मुझे भी भूला हुआ है, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 10^3 और ये 100 है तो 100 को लिख सकते हैं 10^2 और 10^2 का 2 कितना हो जाएगा 10^4 10^3 × 10^4 तो हो जाएगा 10^7 हम लिख सकते हैं कि 1 जूल जो होता है वो 10^7 आर के बराबर होता है। ठीक है तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक चलिए हम नहीं ध्यान रखेंगे तो हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक आइए तो वर्क का यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट जूल होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है अर्ग होता है और एक जूल में 10^7 अर्ग होता है। ठीक है अब आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग फोर्स और वर्क डाल के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है वेक्टर एफ एक फोर्स है जो किसी ब्लॉक पे अप्लाइड है वो कितना है 2i + j + k है और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो i + j + 2k होता है तो आपको निकालना है वर्क डन। तो आपको कुछ भी अब नहीं देखना है दोनों का डॉट कर देना है तो डॉट करेगा तो 2 1 जा 2 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2 तो जाएगा कितना 5j4ule 5u समझे आंसर नहीं समझे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है जो कि हलवा क्वेश्चन है। ठीक है आइए अब आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन देते हैं बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े हुए आई होप आपको याद होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते थे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है ये मान लीजिए x1 है ये y1 है और ये z1 है और दूसरा पॉइंट कौन है बी है x2 है y2 है एंड z2 है ये इस तरह से है आपके पॉइंट। ठीक तो हमको ए बी वेक्टर निकालना होता था तो हम लोग लिखते थे x2 − x1 i cap + y2 − y1 j cap + z2 − z1 k cap और अगर इसी का मॉड निकालना है तो आपको क्या करना है अंडर रूट के अंदर ये वाला x2 − x1 का होल स्क्वायर + y2 − y1 का होल स्क्वायर + z2 − z1 का होल स्क्वायर। ठीक है तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे अलग लिखते थे क्या ये तो तरीका है ना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको मॉड निकालना तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऐसा पढ़े हुए हैं तो आइए कुछ मान लीजिए क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन का वैरायटी तरह का जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सिंपल क्वेश्चन लेते हैं फिर आप बाकी क्वेश्चन खुद करेंगे। आइए जैसे मान लीजिए कि बच्चे आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है ठीक है जिस पर हमने फोर्स लगाया हुआ है फोर्स F इक्वल टू लगाया है 2i + j + 12k हमने ये लगाया हुआ फोर्स और ये ब्लॉक जो जिस पॉइंट पे था A पॉइंट पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 2 1 3 मान लीजिए इस पॉइंट पे था और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 1 3 x y और z कोऑर्डिनेट इसको दिया गया है और कितना है ये 2 1 3। ठीक है अब ब्लॉक कहां पे पहुंच गया बेटा ब्लॉक पहुंच गया इस B पॉइंट पे और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 3 7 1। अब आपको क्या निकालना है फाइंड आउट वर्क डन ठीक है बाय फोर्स आई एकदम क्वेश्चन क्लियर है आपको फोर्स लगा है एक ब्लॉक पे ब्लॉक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया है उस उन दोनों पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं इसका मतलब ये हुआ सर हमको पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा और फोर्स से क्या करना पड़ेगा डॉट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अटैक कहां पे करना है बच्चों हमको सबसे पहले हमको अटैक कहां पे करना है सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकाल लेंगे देन फोर्स वेक्टर से डॉट कर देंगे तो वर्क विल बी कैलकुलेटेड बोलो हां कि ना। आइए तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स ये x1 − y1 z1 x2 − y2 z2 तो ये हो जाएगा x2 − x1 3 − 2 i cap + y2 − y1 7 − 1 j cap + 1 − 3 1 − 3 k cap तो हमारे पास मिलेगा वेक्टर ए बी इक्वल टू i cap + 6j cap + −2k cap तो ये मिलेगा i cap + 6j cap and −2k cap and this is AB vector और इसी को हम लोग बोलेंगे displacement vector क्या बोलेंगे displacement vector। आइए आपको force कितना दिया हुआ ऊपर दिख रहा है क्या force आपको दिया हुआ है कितना 2i cap + j cap and + 12k cap ये आपको force दिया है
और आपने डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी फाइंड कर लिया है। अब आइए चेक करते हैं, तो वर्क डन हम निकालेंगे ना, तो वर्क डन जब निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा ये, तो वर्क डन जो होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, तो वेक्टर एफ इक्वल टू है सर 2i का प्लस j का प्लस 12k का, ये मेरा फेवरेट नंबर है क्या, हर बार यही वेक्टर ले ले रहे हैं। चलिए वेक्टर s इक्वल टू हो जाएगा i का प्लस 6j का माइनस 2k का, तो हमको अब क्या करना है, डॉट करना है, कर दो 2 1 जा 2 6 1 जा 6 12 2 जा माइनस 24 है ना, ये हो जाएगा कितना 6 2 8 तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 16 माइनस, क्लियर है, 24 में 8 घटाएगा कितना आएगा भाई 16 ही आएगा ना, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 24 है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर, नहीं समझ में आया है, अरे आया कि नहीं। चले फिर आगे बढ़ेंगे, अब तुम करोगे क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो आपके पास एक ब्लॉक रखा है बेटा, ब्लॉक मास m है, ये पॉइंट a पर है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3, और इस पर फोर्स हम लगाते हैं, फोर्स कितना लगाते हैं, i प्लस j प्लस k लगाते हैं, तो ब्लॉक कहां पहुंच जाता है, ब्लॉक b पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो b पॉइंट पर पहुंचता है, तो b के कोऑर्डिनेट है 7 9 11, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है, ये आप कमेंट में आंसर दे देंगे, ओके बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसी में अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इफ f1 इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k, f2 इक्वल टू i प्लस j प्लस k, एंड f3 इक्वल टू i प्लस k, आर अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक एंड ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए, ए कोऑर्डिनेट कितना है 2 1 3, टू पॉइंट बी कितना है 1 2 7, कैलक्यूलेट वर्क डन बाय फोर्सेस, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्सेस, ठीक है, अब क्या कहानी है सर, डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही है, लेकिन यहां पर कितने फोर्स हैं, 3 फोर्स हैं, तो सर अगर यहां पर 3 फोर्स हैं तो क्या करें, तो आपके पास जो फोर्स होते हैं वेक्टर है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए फोर्स को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, फोर्स को क्या करेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे, तो आपको सिखाया है वेक्टर ए था वेक्टर बी था, तो ए प्लस बी कैसे करते थे, आई वाला आई से प्लस करते थे, जे वाला जे से और के वाला के से, या फिर अगर ऐसे अपन टेक्निकली बोले तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते थे, तो ऐड करते थे, तो नेट फोर्स जो आपके पास आएगा वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू प्लस वेक्टर एफ थ्री, तो हमारे पास फोर्स मिल जाएगा 2 1 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 4i का जे जे के है 2j हो जाएगा, ठीक है, अब के 2 1 3 1 4 कितना हो जाएगा 4k, तो सर हमको फोर्स मिल गया, फोर्स मिल गया, और डिस्प्लेसमेंट निकालने, तो ये वाला क्वेश्चन अब किस में कन्वर्ट हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन में जो तुम करने वाले हो, ठीक है, तो क्या करना है, तो बहुत सारा फोर्सेस दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपको वर्क डन निकालना है, तो क्या करना है, सारे फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड कर लेना है, एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डॉट कर देना है, क्या करना है, डॉट करना, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, तुम खुद देख लेना क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अब देखें हम लोग, तो कितना हो जाएगा 1 - 2 कितना हो जाएगा माइनस आई का, फिर प्लस कितना हो जाएगा 2 - 1 तो कितना हो जाएगा प्लस जे कैप, फिर कितना होगा 7 - 3 तो कितना हो जाएगा 4k कैप, डिस्प्लेसमेंट तुम चेक कर लेना एक बार, ठीक, क्या होता है x2 - x1 i कैप y2 - y1 j कैप z2 - z1 k कैप, अरे हां के ना, ठीक है,
तो हमारे पास क्या मिला, एफ मिला और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला। तो अब डॉट कर दो तो 4 वन जा 4, तो ये कितना आएगा बेटा माइनस 4, 2 वन जा 2 तो कितना हो जाएगा प्लस 2, 4 4 जा 16 तो कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 12 जा 16 तो हो जाएगा 14 जूल एंड दिस इज ऑल अबाउट आंसर। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर से तुमको क्वेश्चन देते हैं, तुम करना इस तरह के क्वेश्चन। आओ आओ ठाकुर आओ, क्वेश्चन ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। F1 बराबर आपको दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, F2 बराबर दिया है आपको i प्लस k कैप, F3 बराबर दिया है आपको j कैप। बोल रहा है कि ब्लॉक ए पॉइंट 3-1-1 से बी पॉइंट पे जाता है 7-7-9 पे जाता है, तो आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो जैसा हमने क्वेश्चन किया वैसा ही रिपीट करना है। आइए ठीक है, तो हम लोगों ने वर्क डन लगभग पढ़ लिया है, वर्क डन के तरीके के कितने क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डॉट करना है फटाक से आंसर, या दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है कि एक ही फोर्स दिया है डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है डॉट करना है वो भी आंसर। फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बहुत सारे फोर्सेस दिए हुए हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, तो बहुत सारे फोर्सेस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सारे फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करना है, एक फोर्स बन जाएगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है और उस फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डॉट कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं, यही डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पावर में आता है। तो पावर क्या होता है बच्चों, चलो मत बताओ मैं बताता हूँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क एक लाइन में कहें तो हमारे पास होता है पावर। सबको पावर चाहिए भाई, ये क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। आएंगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क तो P बराबर हम लिख सकते हैं W by T, अगर यूनिफॉर्म में लिखे, अगर इंस्टेंटेनियस पावर लिखे तो इसको लिख सकते हैं dW by dt। अरे हाँ क्या ना, तो पावर क्या लिख सकते हैं dW by dt। पावर क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर QT by क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट क्या होता है जूल पर सेकंड, कैसे वर्क अपॉन टाइम, तो जूल पर सेकंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं वाट। पावर का जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर को लिखते हैं एचपी, तो 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है 746 वाट, रट्टा मार लेना है इसको। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, पावर के बारे में थोड़ा सा अपन जानेंगे। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क है सर, तो अच्छी बात है। तो जैसे सर हम लोग लिखते थे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस बराबर डब्लू, तो डी डब्लू बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट होने में अगर वर्क डन डब्लू होता है तो डी एस डिस्प्लेसमेंट होने में वर्क डन क्या होगा डी डब्लू होगा सर। तो सर हमारे पास जो पावर है वो कितना है डी डब्लू अपॉन डी टी है सर, तो मैं डी डब्लू को कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, तो वेक्टर एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, और सर हम जानते हैं कि वी बराबर होता है डी एस अपॉन डी टी, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो डी एस बाई डी टी। तो ये जो भाई साहब दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं वी बना रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं पावर बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, सॉरी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर बी, तो वेलोसिटी और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा पावर मिलेगा। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि पावर बराबर एफ वी, पावर बराबर एफ वी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल, ठीक है एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है थीटा है, तो पावर बराबर कितना हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा।
समझे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मैडम। चलिए अभी क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल है बच्चे। मान लीजिए आपके पास फोर्स दिया हुआ है कितना, आई प्लस टू जे और प्लस के, और वेलोसिटी है पार्टिकल का कितना, आई प्लस जे प्लस 12 के। तो आपको क्या निकालना है, पावर, कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके डॉट कर देना है। तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस 2 और प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 15, इसमें वाट में, ट्रिपल डी हो गया, डबल डी, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप करेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास फोर्स दिया हुआ है, क्या दिया है फोर्स बेटा, दिया है फोर्स 2i + j और + k, और आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया है i + 2j एंड + 3k। तो ये आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो आप आंसर दीजिए, ठीक है। अब जो डॉट प्रोडक्ट था वो भी पढ़ा दिया है, डॉट प्रोडक्ट के जो एप्लीकेशंस थे वो भी पढ़ा दिए हैं, जो आपको अगले फिजिक्स में जब आप मेन क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी तब आप पढ़ेंगे। बाकी अब बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट एंड लैग्रैन्ज थ्योरम बचा हुआ है, वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, घर में रहिए, ठीक है। थैंक यू।